आज दक्षिणी ने फंसा भी दिया और बचा भी लिया। दिमाग की गरम और जुबान की तीखी तो जरूर है, लेकिन दिल की बड़ी अच्छी है। तुम एक काम करो, तुम हमारा पहचान कफ पहन लो। आका, मैंने तो पहले ही कहा था, प्यारी परेशानी ची कमाल की इंसान है। अगर आज वो नहीं होती तो हम लोग तो नौकरी से निकाल दिए गए होते। जिनू, हमसे हमारी नौकरी कोई नहीं छीन सकता। हम यहाँ तेल का कुआं भी खोदेंगे, महल भी पहुँचेंगे और मैं बादशाह सलामत से अपने अब्बू का सच भी जानूंगा। एक तो काला चोर हमारा जादुई चिराग लेकर बैठा है, उस तेल की खदान में जाकर छुपा है जिस तेल की खदान को हमारी बेवकूफ बगदाद की आवाम और शहजादी यास्मीन एक ख्वाब समझती है। बस सो चुका, बस हो चुका, अब हम किसी के ख्वाब को पूरा नहीं होने देंगे। हुक्म करें हुजूर, आपका अगला कदम क्या होना चाहिए? जब हमारे सारे अजीज एक ही जगह पर मौजूद हो तो हमें उस खदान को बर्बाद करने का इंतजार नहीं करना चाहिए। कल का दिन बगदाद की तबाही का दिन होगा। उस तेल की खदान में एक ऐसा धमाका होगा कि बगदाद की आवाम, काला चोर, उमर और बेचारे बगदाद की सारी उम्मीदें। बगदाद की उम्मीदें खत्म, मतलब बेचारी शहजादी खत्म। फिर हमें कोई बगदाद पर हुकूमत करने से नहीं रोक पाएगा। कल से शुरू होगा बगदाद में तबाही का जश्न। मिले तेल जो थोड़ा, अल्लाह बीबी, अरे पकौड़ा, अल्लाह बीबी, मेहनत कर इतनी, अल्लाह बीबी, शर्माए घोड़ा, अल्लाह बीबी, अल्लाह बीबी, अल्लाह अल्लाह बीबी, छा गई गरीबी। अलादीन नाम तो सुना होगा, चलो घर चलते, मुझे अम्मी की बहुत याद आ रही है। बस जिनू, आते निकल गए, पूछ बची है। पूछ कहाँ? जिनू, हाँ भाई, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो बस एक मुहावरा है। पूरा काम हो गया, बस थोड़ा काम बचा है, और वैसे भी हमें यहाँ रहकर अब्बू का सच जानना है। अम्मी, अम्मी क्या हुआ? अम्मी जी, तो आप ठीक तो हैं? क्या हुआ अम्मी? ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरे दोनों बेटे सलामत हैं। अम्मी हम बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन लेकिन लगता है आपने कोई बुरा ख्वाब देखा है। हाँ अम्मी, लगता है आपने कोई बुरा ख्वाब देखा है, भूल जाइए। देखिए कितनी प्यारी सुबह है। हाँ। सुबह कहते हैं कि सुबह में देखा हुआ सपना हमेशा सच होता है। अम्मी अगर ऐसा होता तो आज शहजादी आदमी हमारे लिए नाश्ता बना रही होती और हमारे घर में समोसे के पेड़ होते। मैं जिनू, यहाँ मैं शहजादी की बात कर रहा हूँ और तुम समोसे की बात कर रहे हो। अपनी अपनी मोहब्बत है।
और ये आपकी मोहब्बत और फिक्र है जो आपने ऐसा ख्वाब देखा। और रही बात कि सुबह का ख्वाब सच हो जाता है, अम्मी लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं। अम्मी अब अगर लोग कहेंगे दो और दो चार होते हैं तो क्या हम मान लेंगे? जिनू दो और दो चार ही होते हैं। नहीं ये दो केले हाँ। और ये दो केले हाँ। ये दोनों केले को मिलाओ तो कितने केले हुए? पांच। पांच कैसे? क्योंकि एक केला मेरे पास है। जिनू तो ये लो सारे केले तुम पकड़ो और खाओ। अरे वाह बल्ला बल्ला हबीबी जा गई गरीबी। अच्छा सुनो तुम दोनों आज काम पर मत जाओ, घर पर ही रुक जाओ। अम्मी आपने तो सिखाया है ना कि काम से बढ़कर कुछ नहीं होता। हाँ पर हाँ अम्मी हमें काम पूरा करना चाहिए, इसीलिए हम लोग बाजार जाके आधा किलो आलू आधा किलो मूली आधा किलो दही लेके आएंगे, फिर आप गर्मा गर्म पराठे बना देना, काम पूरा हो जाएगा। अम्मी भाई मुझे नहीं पता आप दोनों क्यों परेशान हो रहे हो, लेकिन आप दोनों को हंसाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भले ही मुझे बंदर बनना पड़े तो मैं बंदर ही बनूंगा। आज हम सब के सब जश्न तबाही मनाएंगे। ये बंदर हमें बगदाद के तख्त पे बिठाएगा। सही काम अकबर, आज ये खिलौने बगदाद में खुशियां नहीं बल्कि मौत का कहर बांटेंगे। इस खदान से तेल नहीं बल्कि लाशें निकलेंगी, लाशें। आपके हुक्म के मुताबिक हुजूर, आज ऐसा धमाका होगा हुजूर कि इंसान की रूह तक कांप उठेगी। खिलौनों में चाबी भरने के बाद कुछ समय में ये खिलौने फट जाएंगे, फिर होगा जश्न तबाही। क्या जश्न होगा अम्मी जब हम तेल के कुएं से सारा तेल निकाल लेंगे? हम मंजिल के बहुत करीब हैं अम्मी। हाँ अम्मी बस तेल तक पहुंचने में कुछ ही वक्त बचा, अब समझ लीजिए अम्मी क्या हाथ ही निकल गया है, बस पूछ बची है। पूछ? मेरी पूछ कहाँ? पूछ? बस जिनू हाथ ही निकल गया, पूछ बची है। जिनू मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं। अलादीन आज से पहले मैंने तुझे कभी नहीं रोका, पर आज मत जा। लेकिन अम्मी आज तो फैसले का दिन है, आज सभी निकम्मे भी कामयाबी में अपना नाम दर्ज कराने आएंगे, और ऐसे में अलादीन जिसने चार लोगों का काम अकेले किया है वो रह जाएगा। अम्मी आप तो जानती है ना कि इस मेहनत का इनाम क्या है, मुझे महल हर हाल में पहुँच कर बादशाह सलावत से मिलकर अब्बू का सच जानना। अम्मी आप फिक्र मत कीजिए, आपकी दुआ हमारे साथ है, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। हमें जाने दीजिए। अलादीन तू समझ नहीं रहा है, आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, आज मत जा। आज का दिन वाकई बगदाद की तकदीर पलट देगा। हुजूर सारे खिलौनों में बारूद भर दिया गया है हुजूर, बस ये नखट बंदर गदर मचाने को तैयार है, बस आपके हुक्म का इंतजार है। ऐसे इन सारे बंदरों को खदान के अंदर पहुंचाने के लिए तुम्हें एक और इंसान की जरूरत पड़ेगी। एक आदमी है हुजूर जो इस बारूद के खेल में माहिर है, कम
हुड़ मच्छर। तो फिर तुम दोनों उस खदान में जाकर चप्पे चप्पे पे इन खिलौनों को छुपाओगे। उसी दौरान मैं और बाकी आदमी खदान के सिपाहियों को गुमराह करते रहेंगे। फिर एक जोरदार धमाका होगा और उस धमाके में काला चूर उमर और बगदाद की मासूम आवाम सब सब मर जाएंगे। लेकिन हुजूर वो जादुई चिराग उसका क्या? काले चोर के मरने के बाद हम बगदाद के हर एक घर में तलाशी कर रहे हैं। हमें जादुई चिराग मिल जाएगा और एक बार हमें जादुई चिराग मिल गया जश्न तबाही से हमारे हुकूमत की शुरुआत होगी। उड़ोड़ मच्छर उड़ोड़ मच्छर उड़ोड़ मच्छर माशाल्लाह। अम्मी आज तो हमारी एक नई शुरुआत है। आप देखिएगा आज जब बगदाद में तेल का कुआं मिलेगा तो पूरे बगदाद में जश्न मनाया जाएगा। हाँ, अम्मी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मेरे होते हुए हम दोनों को कुछ नहीं होगा। अच्छा हाँ। बात तो ऐसे कर रहा है जैसे बहुत बड़ा जादूगर है कोई। अम्मी के बेटे बड़े हो ना, थोड़ा प्यार तो मिलेगा। अम्मी जाने दीजिए ना। हाँ अम्मी जाने दीजिए। अम्मी आज नहीं गए ना तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अम्मी अब्बू के नाम पर लगे दाग को मिटाने का मौका भी हमारे हाथ से चला जाएगा। पर आज मैं तुम दोनों के साथ खदान के अंदर जाऊंगी। लेकिन बस यही शर्त है, चलना है तो चलो नहीं तो सब यही बैठेंगे घर पर। आज बोलो मंजूर है? हाँ मंजूर है अम्मी, हमें आपकी शर्त मंजूर है। जिनू क्या करते? मंजूर है। चलो अम्मी अब आप जाइए रसोई में काम करिए और हम अंदर काम शुरू करते हैं। है। इतनी जल्दी शर्त भूल गए? मैंने कहा था ना मैं तुम दोनों के साथ अंदर खदान में काम करूंगी और तुम दोनों मेरा हाथ मत छोड़ना समझे। लेकिन अम्मी अरे लगता है खदान में आज बच्चे भी काम करने आए हैं। लेकिन बच्चों का झूला कहीं नहीं दिख रहा है। हम अपनी अम्मी से बहुत प्यार करते हैं इसलिए हम उनकी सारी बातें मानते हैं। लगता है तुम अपनी अम्मी से प्यार नहीं करते इसीलिए तो इनकी शक्ल पतीले जैसी हो गई है। जाओ 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 काम करो अपना। अम्मी आप चाहती हैं कि लोग हम पर इस तरह हंसे? हंसते तो हंसने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अम्मी आप समझने की कोशिश नहीं कर रही, अंदर खदान में खड़े होने की भी जगह नहीं है, इतने पत्थर हैं। आप बेवजह वहां परेशान होंगी अम्मी। अरे पर हाँ अम्मी अंदर बहुत धूल है और धूल से तो आपको तकलीफ होती है ना, और अगर आपको तकलीफ होगी तो हमें भी तकलीफ होगी ना। पर मैं तुम दोनों को अपनी नजरों से दूर नहीं होने देना चाहती। अम्मी आप इस दुनिया की सबसे प्यारी अम्मी, हम आपसे दूर थोड़ी ना। आइए एक काम करते हैं, आप यहाँ पर ऐसे बैठ जाइए। अम्मी अरे पर अम्मी मेरा काम पत्थर तोड़ के बाहर लाने का है तो इसी बहाने आप मुझे देख सकती हैं। और अम्मी जब चाहे आप यहाँ बैठे बैठे आवाज दीजिएगा, अलादीन जिनू कैसे हो, हम वहां से जवाब देंगे अम्मी हम बिल्कुल ठीक है। अम्मी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हमारे सर पर ऊपर वाले का हाथ है, हमें कुछ नहीं होगा। अम्मी आप यहाँ पर बैठिए और हम अंदर काम शुरू करते हैं। चलो जिनू। हाँ। तुमने मुझे हमेशा हौसला दिया है रुखसार, मैंने जब जब तुम्हारे सामने सवाल रखे तुमने जवाब उम्मीद के तौर पर दिए। तुम्हारे
तुम्हारी वजह से बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर पाया और कामयाब हुआ। लेकिन आज न जाने क्यों डर लग रहा है, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। पर कुछ भी हो, मैं तुम्हें इंसाफ दिला कर रहूंगा रुखसार, और उसके लिए मुझे काले चोर को ढूंढना होगा जो इसी खदान में कहीं छिपा बैठा है। मैं उसे ढूंढ के रहूंगा। उस्ताद जी सलाम, लगता है किसी खास को ढूंढ रहे हैं। हाँ उस्ताद जी, अगर आपको हमारी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक बता दीजिएगा। शर्माइएगा नहीं। क्या है ना, दिल के मामलों में देरी नहीं करनी चाहिए। मुझे तो जिसे ढूंढना है उसे मैं ढूंढ लूंगा, लेकिन तुम दोनों को कोई नहीं ढूंढ पाएगा। बल्ला बल्ला हबीबी, आ गए गरीबी। लगता है उस्ताद जी भी हमारी तरह मजाकिया है। उस्ताद जी आप लोग बड़े मजाकिया है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों तो अपने काम में बहुत पक्के हो, फिर आज इतनी देरी कैसे हो गई? वो क्या है ना उस्ताद जी, आज ना मेरी अम्मी ने बहुत बुरा सपना देखा, इसलिए वो हमें काम के लिए आने ही नहीं दे रही थी। हाँ उस्ताद जी, इसी वजह से उनको मनाने में इतनी देर हो गई। बड़ी मुश्किल से तो उन्हें बाहर बैठाया हमने। तुम दोनों की अम्मी बाहर बैठी है? लेकिन पहरा ना बहुत सख्त है, इसलिए बाहर जा नहीं सकते। तुम्हारी अम्मी तुम दोनों से बहुत प्यार करती हैं। जिन अम्मी की नेक परवरिश और दुआओं की वजह से खुदा ने तुम्हें चिराग का रखवाला बनाया, उन अम्मी से मिलवाना जरूर। उस्ताद जी, जैसे ये पानी खत्म होगा ना, मैं पानी भरने के लिए बाहर जाऊंगा, तब आपको मिलवा भी दूंगा। मेरी अम्मी भी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी।